ਇਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਮੂਲ ਵੇਖ ਮਾਮੂਲ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲ ਵੇਖ ਫਾਤਮਾ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे और जहाँ भी रखे हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। तो अल्लाह का करम है तो हम लोग भी ठीक हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं कपड़े धो के आई हूँ, तो अभी हम अपनी रूटीन के काम शुरू करते हैं, आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी सपोर्ट करते रहा करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें और हमें गाइड भी किया करें। तो अभी हम अपना काम शुरू करते हैं, आप लोगों ने हमारे साथ साथ रहना है। अभी मैं ये कपड़े तार पर डालूंगी। ये कपड़े तार पे डाल रही हैं, अभी अभी कपड़े धो के आई हैं। ये टूवल पे कपड़े थे तो बहुत ज्यादा थे। हाँ, ईद के कपड़े थे तो बहुत ज्यादा थे, इसलिए बिजली पे। जी जी, इस तरह का गांव का माहौल होता है और गांव के माहौल में धो के आते हैं कपड़े टूवल से, तो फिर घर में आके इस तरह तारे हमने बांधी होती हैं, उस पर हम ये कपड़े डालते हैं सूखने के लिए। ये अभी सूखने के लिए हम कपड़े डाल रहे हैं और बाकी सारे लोग घर वाले अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो हम सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं। तो ये सुबह सुबह इन्होंने नाश्ता नहीं किया था तो कपड़े उठा के ले गए थे। दिन को फिर धूप होती है तो इसीलिए पहले काम कर लें फिर खाना खा। दिन को धूप होती है तो इसलिए सुबह सुबह काम कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है गांव में। इधर जी अम्मी अपना काम कर रहे हैं, ये तंदूर पे लगा रहे हैं रोटियां और बाकी सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये हमारा छोटा सा किचन है जिस पे हम लगाते हैं सुबह सुबह रोटियां और साथ में सालन बन रहा है। चूल्हा भी उसी जगह पे है और तंदूर भी उसी जगह पे है। ये देखें जी, तंदूर अंदर किस तरह रोटियां लगी हुई हैं। लकड़ियों से पहले तंदूर जलाना पड़ता है। ये है हमारा सालन और अम्मी बना रही हैं अभी रोटियां, वो बीच में लगा रही हैं। अभी सुबह सुबह इसमें वो लकड़ियों से इसके अंदर आग जगा लानी पड़ती है। जब ये आग जल जाती है, तंदूर गर्म हो जाता है, उस टाइम फिर अंगारे बन जाते हैं, उस टाइम फिर लगाते हैं हम रोटियां। गांव में इसी तरह होता है, सादा ज़िंदगी है, सादे लोग, बहुत ही अच्छे लोग। तो आप सब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दिया करें, आपका बहुत। ये जी खतीजा अपना काम कर रही हैं, सुबह सुबह का टाइम है और ये कपड़े डाल रही हैं। अभी क्या देख रही हैं, ये छोटी सी कपड़ा उठा के इस तार के ऊपर डालेंगी। हमारी वीडियो को आप पूरा देखा करें और हमारे सपोर्ट किया करें, आपका बहुत शुक्रिया। हम नए नए YouTube पे आए हैं, हमारी आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाया करेंगे। और हमें आप गाइड भी किया करें, बताया भी करें कि हमारी क्या गलती है, हमारी क्या मिस्टेक है, हम वीडियो सही से बनाते भी हैं या नहीं।
अगर कोई हमारी गलती है तो हमें गाइड क्या करें, इस तरह की वीडियो ना बनाया करें, इस तरह की बनाएं तो हम इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अभी कुछ कपड़े उधर से बच गए थे, ये हमारी कमरे इधर बनने हैं, हमने उनकी छोटी छोटी दीवारें बनाई हुई हैं, वैसे ईंटे से जोड़ी हुई हैं, उनके ऊपर डाल रही हैं ये कपड़े। इधर तार के ऊपर से वो कपड़े भर गए थे, तो इस वजह से इधर है वेख के मामूल वेख मामूल इधर देखो आ मोबाइल और वेख फातिमा अरे रोटी खा ले भैया मैं खा रोटी खाऊं मैं इधर देख फातिमा इधर देख की करूं मैं मेरे लिए वेख मेरे लिए की करूं मैं रोटी खाऊं मैं चलो रोटी खा Thank you.